गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम मैंने देखा, ठीक है, और उसके साथ एक क्वेश्चंस भी देखे। अब क्या करेंगे, उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो अभी ये सामने एक क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू इट, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। RL की वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम पावर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके। तो ये हमारा क्या बनना है, एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ओके। तो पहले क्या है, हमें कंडीशन एक बार चेक करनी पड़ेगी कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन देखेंगे। तो क्या करते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 2 6 × 3 ओके 18 = 18। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे ब्रिज बैलेंस है, ओके। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होता है कि उस ब्रांच में क्या है, करंट ज़ीरो हो जाती है। ब्रिज बैलेंस के यही कंडीशन होती है कि उस ब्रांच के अंदर क्या है कि करंट ही नहीं जाएगी, ओके, क्योंकि ब्रिज इज बैलेंस्ड करंट इन RL is zero, ओके। ब्रिज बैलेंस होने की वजह से क्या करेगी, करंट, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगी इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, ओके। तो अब क्या है कि अब करंट नहीं जाएगी तो इसके क्रॉस पावर ही नहीं निकलेगा, पावर मतलब क्या है, ज़ीरो आएगा, ओके। इसलिए क्या है, पावर जो है इसके क्रॉस क्या आएगा, मैक्सिमम पावर हमें जो निकालना था वो क्या आएगा, 0 वॉट इसके उसमें हमें पावर मिलेगा, ठीक है। ब्रिज वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रिज की एक जो ब्रिज की कंडीशन है वो हम पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे हम करेंगे, ओके। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक ये क्वेश्चन है सामने कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू लोड। लोड में, ये जो लोड है हमारा, उसमें आर की वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, ओके। तो ये हमारा लोड है, लोड मतलब RL है, ओके, ठीक है, और मैक्सिमम पावर के लिए MPT के लिए कंडीशन क्या थी, ठीक है, कि ये जो RL है ये RTH के इक्वल होना चाहिए। मैक्सिमम पावर की ये कंडीशन है कि जो लोड है वो RTH के इक्वल होना चाहिए। ये RTH है हमारा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अभी हमने जो डेरिवेशन देखा था उसमें RL इक्वल टू RTH था। ये हमारा RL है, मतलब लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। RL हमारा RTH के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, RTH 2 है, 2 ओम है, ओके। तो RL इक्वल टू RTH से RL हमारे पास क्या मिल गया, 2 ओम मिल गया, क्लियर है ये चीज़।
डेरिवेशन में जो हमने देखा था कि आर एल इक्वल टू आर टी एच, ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन थी और हमें मैक्सिमम पावर के लिए चेक करना है। तो आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू आर टी एच, ये आर एल हमारा कितना हुआ 2 ओम हो गया उसके हिसाब से, ओके। बट एक्चुअल में आर एल है कितना, आर एल जो है इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम देख लें, 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर इक्वल टू आर एल, ओके। ये आर एल इसके बराबर है और आर एल एक्चुअल में कितना है 2 ओम है, तो हम यहाँ पे 2 ओम रख देंगे। ओम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिलेगा सॉल्व करने के बाद, फोर ओम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो कभी भी इस तरीके से अगर चेक कर मैक्सिमम पावर के लिए पूछेगा कभी भी कि कितना वैल्यू रेजिस्टेंस की होनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, तो अगर इस तरीके की कुछ सर्किट है, अगर लोड दिया हुआ है, तो क्या करेंगे उसको आपस में वो कंडीशन मैक्सिमम पावर की जो है वो हम देखेंगे। आर एल इक्वल टू आर टी एच, आर एल हमारा ये लोड है, ओके। अभी लोड क्या है वो आर टी एच के इक्वल होना चाहिए, तो हमने क्या किया इसको आर एल मान लिया है, आर एल आर टी एच के बराबर होना चाहिए, मतलब आर एल की वैल्यू 2 ओम होनी चाहिए, आर एल की वैल्यू हमने 2 ओम रख दी, ओके। अब क्या है एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे आर एल कितना है 4 ओम और आर ओम जो है उसका कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, पैरेलल का कॉम्बिनेशन आर एल के इक्वल है, ठीक है। आर एल एक्चुअल में है कितना 2 ओम है, हमने 2 ओम रखा, यहाँ से सॉल्व किया, आर की वैल्यू 4 ओम आ गई। तो इस तरीके से कुछ हम चेक करेंगे कि कितना वैल्यू आ रही है, ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम इस पर ट्राई करेंगे मैक्सिमम पावर पे। एक ये क्वेश्चन है ओके कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी एल, वी एल की क्या वैल्यू हो ताकि मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड, ये जो लोड है इतना उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो उसके लिए वी एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें अभी देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज ये है, ओके, तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन में ये लोड को और जो हमारा सोर्स साइड जो लगा हुआ है सर्किट मतलब आर टी एच जो भी है, तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन में दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज को डिवाइड करता है, ठीक है, बराबर बराबर वोल्टेज को डिवाइड करता है, मतलब क्या है लोड में जितना वोल्टेज होगा उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, ओके। ये मैक्सिमम पावर के लिए चेक करने के लिए ये भी कंडीशन है, ओके। तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, अभी क्या है कि 20 वोल्ट है तो बराबर बराबर में लोड में और इसमें भी आना चाहिए, तो मतलब क्या है 20 का क्या है 10-10 होना चाहिए, तभी लोड में और इसमें बराबर होगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे इसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट कर लिया, ओके, और इसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट कर लिया, टोटल 20 वोल्ट है, आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब क्या करेंगे कि ब्रांच में करंट निकालेंगे इसकी वजह से, अब यहाँ पे करंट कितनी आएगी 10/100 करेंगे तो कितनी आएगी 1/10 एम्पियर आएगी, ओके। 10/200 करेंगे करंट कितनी आएगी 1/20 एम्पियर, ओके।
इधर से 1/10 एम्पियर आ रही थी, इधर चली गई 1/20 एम्पियर, इधर कितनी जाएगी करंट? 1/20 ही जाएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि इधर से जो करंट आ रही थी वो डिवाइड होगी इन दोनों में, ठीक है। 1/20 इधर गई तो ऑब्वियस है 1/20 ही जाएगी, तभी ये 1/10 होगा, क्योंकि 1/20 प्लस 1/20 करेंगे तो 1/10 ही आएगा, मतलब 1/20 एम्पियर की करंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। 1/20 की करंट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसका वोल्टेज बी आर है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बी आर निकालेंगे। बी आर कितना आएगा, ठीक है। बी आर क्या होगा, ये करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, 1/20 इंटू 50, मतलब क्या हुआ, वी आर हमारा 2.5 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अभी क्या है कि वी आर निकल गया, वी आर, अब हमें वी एल निकालना है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर प्लस वी एल देखेंगे कितना है। वी आर प्लस वी एल जो है हमारा, वी आर प्लस वी एल, ये इसके अक्रॉस जितना है उसके बराबर ही है, ठीक है। इसके अक्रॉस में हमारा कितना है, 10 वोल्ट है। वी आर प्लस वी एल इतना है, इसके अक्रॉस में कितना है, 10 वोल्ट है, ओके। तो मतलब वी आर प्लस वी एल कितना है हमारा, 10 वोल्ट है। वी आर हमारा कितना है, 2.5, वी एल इक्वल टू 10 वोल्ट। वी एल हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.5 वोल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है, वी एल, ओके। अभी एक तरीका और है कि हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम दूसरे तरीके से इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक और तरीका है। यहाँ पे 20 वोल्ट था, हंड्रेड ओम का रेजिस्टेंस था, टू हंड्रेड का यहाँ पे था, यहाँ VL था, ओके। इसके क्रॉस हमने रेजिस्टेंस भी ले रखा है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ओके। तो ये हमने इसके क्रॉस रेजिस्टेंस, इसका कुछ होगा तो हमने ले रखा है, ओके। और क्या है, 50 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ओके। अब क्या है, ये हमारा लोड है, RL, ओके। तो लोड अब RL है तो मतलब इसका कॉम्बिनेशन है, इसमें R है, इसमें 50 है, इसमें 200 है, ये आपस में सीरीज, इसका पैरेलल, यही RL होगा। RL इक्वल टू 200 पैरेलल में ये रेजिस्टेंस, मतलब 50 प्लस R, 50 प्लस R डिवाइडेड बाय 200, 50 प्लस R ये होगा, ओके। अब क्या है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए RL हमारा क्या होना चाहिए, RTH के इक्वल होना चाहिए। RL हमारा
RTH के इक्वल मतलब RL 100 होना चाहिए, ठीक है। RL 100 है, RL की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओके। RL की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो R की वैल्यू जो आ रही है 150 ओम आएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 150 ओम आएगी, R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 150 ओम मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, VL फाइंड करेंगे, ओके। अभी क्या था कि यहाँ जो है 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा था और 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा था, जिसकी वजह से 1/10 एम्पियर यहाँ आ रही थी, 1/20 एम्पियर यहाँ आ रही थी, 1/20 एम्पियर यहाँ पे आ रही थी, ओके। अब क्या करेंगे, करंट इसमें आ रही है, वी एल इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर होगा इसका, ठीक है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी, वो क्या होगा, आई इंटू आर होगा। आर हमारा कितना है, 150 है, ओके। करंट है कितनी, 1/20, 1/20 इंटू 150 इक्वल टू 7.5 वोल्ट। उसमें भी वी एल 7.5 आया था और इस केस में भी वी एल 7.5 आ रहा है। दोनों केसेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस अप्रोच जो है दोनों अलग अलग था, ओके। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट मैक्सिमम पावर गेट्स ट्रांसफर टू लोड। आर की वैल्यू क्या होगी कि मैक्सिमम पावर लोड में ट्रांसफ़र हो, ये हमारा पूरा लोड है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या करता है कि आपस में जो कि लोड को और सोर्स साइड जो होता है दोनों को बराबर के वोल्टेज डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये 10 है तो आप लोड को बराबर देगा और सोर्स साइड को भी बराबर देता है, तो 10 का मतलब बराबर, बराबर देने का मतलब क्या है, 5-5 देगा दोनों को, ओके। 5 वोल्ट यहाँ पे देगा, 5 वोल्ट इसके क्रॉस देगा, ओके, ठीक। अभी क्या है, 5 वोल्ट की वजह से अब क्या है कि अब हम यहाँ करंट निकाल सकते हैं। करंट कितनी आएगी इसमें, 5/2, क्लियर है, 5/2 एम्पियर यहाँ पे करंट आएगी। अभी क्या है कि अगर इसके क्रॉस में हमने वोल्टेज मान लिया है वी आर है, ओके, वी आर। अभी क्या है, टोटल वोल्टेज कितनी है लोड के क्रॉस में, 5 वोल्ट है, ओके। टोटल 5 है, जिसमें से ये जो वोल्टेज सोर्स है वो 3 वोल्ट है, ओके। तो इसके एक्रॉस कितना होना चाहिए कि ये 5 वोल्ट हो जाए, टोटल मतलब 2 वोल्ट होना चाहिए, तभी 2+3 ओवरऑल 5 होगा, ओके। तो वी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वी आर की वैल्यू 2 वोल्ट होनी चाहिए, ताकि 2+3 5 वोल्ट होगा, ओके। वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, और वी आर है कितना, 2 वोल्ट। करंट कितनी जा रही है इसमें, 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर 2 वोल्ट। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 4/5 मतलब 0.8 ओम आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो मैक्सिमम पावर की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या करेगा, लोड और सोर्स साइड में बराबर बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा,
ठीक है, ये कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। और आर एल इक्वल टू आर टी एच की कंडीशन, मतलब लोड कर जो रेजिस्टेंस होगा वो आर टी एच के इक्वल होगा। इस तरीके से कंपेयर करके जब इस तरीके से कंडीशन याद रखेंगे, क्या है कि हमें मैक्सिमम पावर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता हो कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज को लोड साइड में और सोर्स साइड में, तो अभी क्या है कि फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन हमें पता है तो अब 2 मिनट इसको लगेंगे सॉल्व करने में। 5 वोल्ट यहाँ, 5 वोल्ट यहाँ आ गया, इसके वजह से करंट 5/2 एम्पियर मिल गई। ओके, 5 वोल्ट ये है, ठीक है, ओवरऑल 3 वोल्ट तो वोल्टेज सोर्स का ही है। तो ये 5 वोल्ट कब बनेगा, जब ये 2 वोल्ट VR होगा तब ये ओवरऑल 5 वोल्ट बनेगा। VR के मतलब 2 वोल्ट आ गया। ओके, VR एक्चुअल में कितना है, I इंटू R है 2 वोल्ट। I करंट कितनी है, 5/2 एम्पियर है। R यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कुछ मैक्सिमम पावर के जो है AC सर्किट जो है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर वाले सर्किट होते हैं, उसमें मैक्सिमम पावर किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसकी बहुत सारी 3-4 कंडीशंस हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।